सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिश्को डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसे आप लोग आरवीएनएल के नाम से जानते हो। रेल विकास के अंदर आप लोग देखोगे आज फिर से हमें जो अभी 4% के करीब गिरावट देखने को मिल रही है। 120.75 रुपये के भाव पर शेयर हाल फिलहाल है, लेकिन आज जो इसने लो लगाया था वो आपको दिखा देते। अभी आज का जो लो है वो क्या था, तकरीबन 119.60 रुपये। जी हाँ, 119.60 का इसने लो लगाया है, 123.20 का इसका हाई रहा आज का। तो स्टॉक आप लोग देखोगे अभी दो दिन से लगातार टूट रहा है। गिरावट के पीछे ऑफर फॉर सेल का सबसे बड़ा रीजन है। जी हाँ, सबसे बड़ा रीजन ऑफर फॉर सेल का है। और कल के वीडियो में भी मैंने आपको एक बात बोली थी, देखो आरवीएनएल को लेकर बहुत सारे निवेशक जो आरवीएनएल के अंदर जो गिरावट हो रही ना, इसे देखकर फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे थे कल के दिन। ठीक है, कल के दिन आपने देखा होगा 5-6% के करीब गिरावट हुई थी। उस 5-6% की गिरावट को देखकर बहुत सारे निवेशक थे जो फ्रेश एंट्री लेने के बारे में बोल रहे थे कि 124-125 के भाव पर था वहाँ से खरीद लें, 123 के भाव से खरीद लें, क्या सही रहेगा। मैंने आपको क्या बोला, देखो भाई, एक और रिटेल इन्वेस्टर्स को ये भी बोला था कि देखो ऑफर फॉर सेल लेके आएगी कल कंपनी। ठीक है, दो दिन से 27 तारीख को तो आप लोग देखोगे नॉन रिटेलर्स के लिए, और रिटेलर्स के लिए 28 जुलाई, तो ये दो डेट रखी गई थी। तो आज रिटेलर्स के लिए, और मैंने आपको एक बात बोली, देखो 119 का भाव है। ठीक है, और 119 के भाव में अगर आप लोग ऑफर फॉर सेल के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इधर उधर जो ना भी उसके लिए रिसर्च करोगे, फिर उसके अंदर पैसा लगाओगे, वो काम आप लोग करोगे, उससे अच्छा तो आपको ये 119 के भाव में वैसे ही मिल जाएगा। तो आज 119 के भाव में आए ना भाई, 119.60 के भाव में आए नीचे के लेवल पर। तो आपको ये मैंने बोला था कि 119 के आसपास आएगा शेयर, वहाँ से एंट्री ले सकते हो अगर ऑफर फॉर सेल में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हो। तो दो दिन से जो गिरावट हुई ना, ये आपके लिए बड़ा मौका भी है भाई। ठीक है, कंपनी ने 5.36% स्टेक बेचा है। ठीक है, और वहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक में गिरावट हुई है। 134 रुपये के भाव से शेयर आज आप लोग देखोगे दो दिन के अंदर 120.19 के भाव पर आया हुआ है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा मौका है। तो यहाँ से अगर हम एंट्री लें तो स्टॉप लॉस वगैरह क्या लेके चले, और क्या रहने वाले हैं इसके टारगेट, क्वार्टर वन से पहले ये शेयर आपको जो ना अभी कैसे क्या लेवल दिखाने वाला है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं भाई चार्ट के ऊपर। और कल शाम को हमें एक अपडेट और देखने को मिली थी। यहाँ पर आप लोग देखोगे इसके जो है अभी ऑफर फॉर सेल था कल के लिए रिटेल नॉन रिटेलर्स के लिए, उनके द्वारा जो रिटेल नॉन रिटेलर जो थे उनके द्वारा जो ओवर सब्सक्राइब किया गया था। जी हाँ ओवर सब्सक्राइब हो चुका था कल का जो ऑफर फॉर सेल था नॉन रिटेलर्स के लिए, लगभग 1.6% के करीब जो अभी आप लोग देखोगे ये जो ना सब्सक्राइब हुआ 1.6 टाइम। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं भाई आज इसके अंदर क्या कुछ माहौल है, क्या फ्रेश एंट्री लेने का मौका है या फिर नहीं, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक मुझे आपको एक अच्छी रेंज में आते हुए नजर आए। आज फिर से गैप डाउन के साथ ओपनिंग लिया जैसे कल के दिन देखने को मिली, उसके बाद फिर स्टॉक में गिरावट और 119 रुपये, और जो ना भी आप लोग देखोगे ऊपर में 121, ये मैंने इसकी एक रेंज बता रखी है कि इस रेंज के आसपास शेयर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो स्टॉक फिर से आया है, यहाँ पर ये शेयर कंसोलिडेट कर सकता है। अगर 119.10 को नीचे में काटा तो फिर ये नीचे में आप लोगों को बोला भी 110 के आसपास आ सकता है। अगर आप देखो भाई यहाँ पर सबसे बेस्ट मौका है एंट्री लेने का, जहाँ सबसे बेस्ट मौका है लेने का, क्योंकि यहां पर आप लोग देखोगे एक जबरदस्त ब्रेकआउट होने वाला है। क्यों होगा, क्योंकि भाई देखो ऑफर फॉर सेल वालों के लिए जो लेवल रखा गया 119 का भाव है, शेयर ऑलरेडी वहां पर आया हुआ है। प्लस आप लोग देखोगे एक चीज और, वहां पर तो सब्सक्राइब होगा ही होगा, ठीक है, वहां पर तो नॉन रिटेलर जाएंगे 119 के भाव में खरीदने के लिए, और यहां पर भी आपको बिना ही ऑफर फॉर सेल के लिए ही 119 के भाव में मिल रहे हैं। तो यहां पर एक जबरदस्त हमें जो है बाइंग क्रिएट होते हुए नजर आएगी, और यह शेयर फिर से यहां से एक जबरदस्त रैली आपको दिखाएगा अगर करंट प्राइस पर एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हो। 116.20 का SL और स्टॉक आपको ऊपर में जाता नजर आएगा 125+। तो बेस्ट मौका है यहाँ से स्टॉक में एक एंट्री बनाकर चलने का। पहला टारगेट जो हमारा रहेगा यहाँ से तकरीबन आप लोग देखोगे 127.70 का निकल रहा है, और डेफिनेटली ये शेयर आप लोग देखोगे 127.70 के लेवल आपको नेक्स्ट वीक में दिखा सकता है। तो यहाँ से एक अच्छा मौका होगा 116.20 रुपये का SL लेके एंट्री लेने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, जो भी इन निवेशक है जो इसको शॉर्ट टर्म के लिए उठाना चाहते हैं, ठीक है, यानी स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, इसके अंदर 2-3 हफ्ते के लिए 1 महीने के लिए इसको होल्ड करने के बारे में सोच रही हैं, तो उनके लिए स्टॉप लॉस बेस्ट रहेगा भाई 110। 120 से लेकर 110 के बीच में अगर शेयर नीचे की तरफ आए तो उसके अंदर थोड़े SIP करते रहो, और यहाँ से आप लोग देखो कि शेयर के अंदर डेफिनेटली एक ज़बरदस्त रैली बनेगी। जिस प्रकार स्टॉक दो दिन से टूटा ना, अभी 5.636% स्टेक निकाला, इसी की वजह से यहाँ से जल्द रिकवरी भी बनेगी। आई होप आपके सारे डाउट दूर होंगे स्टॉक को लेकर। फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब होना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।